भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं रायसेना हिल पे मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। आइए, थोड़ी चहलकदमियां बढ़ गई हैं, ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। लोगों ने कहा कि 17 के बाद जब कुछ रूल्स आ जाएंगे तो उसके बाद तमाम सारे और लोग दिखेंगे। और आज जब मैं आ रहा था घर से यहाँ पे शो करता हूँ तो ट्रैफिक जो था वो थोड़ा बहुत दिल्ली में सड़कों पे अब दिख रहा है, जो नॉर्मल दिन में नहीं दिख रहा था। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सअप आ रहे हैं। 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश में, उनके तमाम सारे व्हाट्सअप मैसेजेस हैं। बच्चे कुछ परेशान हैं, जो रिजल्ट आया उसको लेकर तमाम सारे सवाल हैं। हालांकि पहले जब वो हाईकोर्ट का फैसला आया था तो उसके बाद उन्होंने खुशी जाहिर की थी। इसी तरह 68,500 वाले भी कुछ लोग हैं, वो तमाम सारे जो प्रक्रिया हम भैया जी कहीं में समय समय पर सवाल उठाते रहे हैं, उनके कुछ फैसले और उनके कुछ लेकर उनसे कुछ जो गतिरोध बन रहा है लगातार उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर तमाम सारे सवाल है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर तुरंत फैसला लेकर जो भी परेशानियां उनको दूर करेगी और बात आगे बढ़ेगी। जी हाँ बाजी, गति तो सामान्य हो रही है लेकिन पेंच जो जहां फंस रहा है वो सामने आता जा रहा है और लड़ाई जो है कहीं और दलदल में फंसती जा रही है। पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के नेता हैं, बड़े कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो उसका लब लुआब था वो यह कि उन्होंने कहा कि जो इस समय धार्मिक ट्रस्ट हैं, धार्मिक ट्रस्ट शब्द का ट्वीट में इस्तेमाल है, धार्मिक ट्रस्ट हैं, उनके पास जो 75 लाख करोड़ का सोना है, 75 लाख करोड़ का सोना धार्मिक ट्रस्टों के पास, उसको ऐसे मुश्किल हालात में उसे सरकार को लेके ब्याज जो कम दरों पे ब्याज है उस पे लेके और उसको तमाम कोरोना की जो फाइट में जिसमें पैसा की जरूरत है वहां लगा लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, बस इसी पे तूफान मचा है। आज का सवाल इसी से जुड़ा है, सवाल करेंगे और फिर पूछेंगे आखिर क्या गलत है कि मंदिरों का ट्रस्टों का जो पैसा है अगर सरकार ले और उसको ब्याज कम ब्याज पे इस्तेमाल, उसको ब्याज भी दे, ट्रस्ट को ब्याज मिले, मंदिर को ब्याज मिले, कम ब्याज मिले, लेकिन वो इस्तेमाल हो, तो क्या ये गलत है? सवाल पूछ रहा, इसी पर आज बातचीत करेंगे। और ये पहले सवाल है, क्या कोरोना के इस संकट के बीच धार्मिक स्थलों में रखा सोना सरकार को ले लेना चाहिए? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता पृथ्वीराज चौहान ने कुछ ऐसी बात कह दी कि वो विरोधियों और धार्मिक संगठनों के निशाने पर आ गए। पहले आपको बताते हैं कि 13 मई को ट्वीट कर चौहान ने क्या कहा था। देश में धार्मिक ट्रस्टों के पास 75 लाख करोड़ रुपए का सोना पड़ा हुआ है, सरकार को कोरोना संकट से निपटने के लिए इस सोने को तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए। इस आपातकालीन स्थिति में सोने को कम ब्याज दर पर सोने के बॉन्ड के जरिए उधार लिया जा सकता है। पृथ्वीराज ने मानो जलते तवे पर ठंडे पानी के छींटे मार दिए। तपाक से उन पर हिंदू धर्म पर हमला करने का आरोप लग गया। बीजेपी और वीएचपी ने लाव लश्कर लेकर चढ़ाई कर दी। बीजेपी ने पूछा कि क्या सरकार धार्मिक ट्रस्टों से सोना ले, ये कांग्रेस की राय है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो कांग्रेस की तुलना मुगल आक्रमणकारियों तक से कर दी। तो वीएचपी ने कहा कि वक्फ बोर्ड और चर्च के पास भी आपार संपत्ति है, तो फिर कांग्रेस की नजर मंदिरों पर ही क्यों है? बात बढ़ी तो चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। अपनी बात के तर्क में उन्होंने कहा कि सोना जमा करने की योजना तो वाजपेयी सरकार ने शुरू की थी और 2015 में मोदी सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना लाई थी। चौहान ने कड़े शब्दों में कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब सवाल कहां से पूछा गया था और जब वो राजनीतिक अखाड़े में आया तो कहां तब्दील हो गया? हम सवाल आज इसी पे करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर जब सख्त जरूरत है पैसे की, सरकार को भी जरूरत है, तो आखिर इस्तेमाल करने के लिए और उसको उस पर ब्याज देने के लिए अगर पैसा लिया जाए या सोना लिया जाए तो क्या ये सवाल पूछना गलत है? हम इसी पर सवाल पूछेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान है, हमारे साथ जो मौजूद है, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कल की पीठाधीश्वर हैं वो हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिखाई दे रहे विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महामंडलेश्वर है जूना अखाड़े से और आप उज्जैन से तशरीफ रखते हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और भी मेहमान जुड़ेंगे, जब जुड़ेंगे हम आपको तारुफ कराएंगे, आप परिचय कराएंगे। लेकिन
मैं एक छोटा सा सवाल सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, ये तो कहा गया है ये वो देश है कि जब जरूरत पड़ी तो दधीच ने अपनी हड्डियां दे दी और कहा कि इससे वज्र बना लो और युद्ध का मैदान जो है जीत लो। तो इस समय बिल्कुल वैसा ही है, युद्ध जैसी स्थिति है। तो जो वज्र दान दे सकते हैं, तो सोना तो बहुत छोटी सी चीज है, क्या मंदिर मठ हमारे जो है इतना नहीं कर सकते? प्रेम शुक्ला जी, सही कह रहे हैं आप प्रतीक जी, मंदिर मठ नहीं। आज इस देश की जब 1965 का युद्ध था तो भारत देश की हमारी महिलाओं ने अपने सुहाग के अलंकार को भी सहज भाव से सरकार को सौंप दिया था। ये जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जब आप बात करते हैं तो सिर्फ बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है, मंदिर ही क्यों होते हैं? आप ये कहते हैं ना कि जितनी परिसंपत्ति, ये तो धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल, देखिए धार्मिक ट्रस्ट कहाँ है, धार्मिक ट्रस्ट कहाँ है, धार्मिक ट्रस्ट कहाँ है, यही मैं कह रहा हूँ, उसी बात कह रहा हूँ। धार्मिक ट्रस्ट जो है, सोना सिर्फ हिंदुओं के पास है, मस्जिदों के पास कितना सोना लिस्ट दे दीजिए, चर्चों के पास कितना सोना दे दीजिए आप। तो आप अगर बात करें सोना ही क्यों बात कर रहे थे आप कहिए ना, जितनी परिसंपत्तियां हैं, औकाफ के पास बहुत जमीन है, चर्चों के पास बहुत जमीन है, उन सबका सदुपयोग राष्ट्र की आपदा के समय जो इसमें वित्तीय आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की संपूर्ति के लिए जितनी भी परिसंपत्तियां धार्मिक ट्रस्टों के पास हैं। ये बात जो है पृथ्वीराज चौहान जी से स्पष्टता से पूछा गया कि अवकाश की भूमि के बारे में क्या राय है, मा 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 का 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 करके भाग खड़े हुए। तो संकट ये है साहब कि जो हम लोग कह रहे हैं कि गजनी के जमाने से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक, चौहान तक जो है, इनको भारत के मंदिरों का ही स्वर्ण क्यों दिखाई देता है? उनकी संपत्तियों पर ही कब्जा करने के लिए इनको लगता है कि राष्ट्र ही तीसरे सबसे बड़ा छुपा हुआ है, ये क्यों लगता है? कहीं आपने लगता नहीं है, मैं आलोक जी से सवाल ले लेता हूँ। अब आलोक जी से, आलोक जी बताइए, ये जो ये सवाल इन्होंने किया, मैंने तो सवाल रख दिया सामने ईमानदारी के साथ, और ईमानदारी के साथ बात भी कह दी और वो ट्वीट भी बता दिया धार्मिक ट्रस्ट वाला। आलोक जी, इन्होंने कहा कि मोहम्मद गजनी से लेकर और मुगल से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे तुलना कर दी। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के, मैं जानना चाहता हूं कि जरूरत है देश को तो लिया जा सकता है, उनका कहना है कि सिर्फ हिंदुओं के मंदिर दिखते हैं। आलोक जी, प्रतीक भाई, काफ़ी देर तक मैंने शांति से सुना और बहुत ही संवेदनशील विषय है, खासतौर पर क्योंकि कोरोना का समय है और उस समय पर इस विषय को उठाया गया है। मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़, उन्होंने धार्मिक ट्रस्ट कहा है, अगर सोना किसी के पास है या नहीं है आज का विषय वो नहीं है। जहाँ तक बात दूसरी है, मैं तो कई एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्या अटल जी के समय पर ये काम नहीं हुआ था? जबकि कांग्रेस पार्टी उनके बयान से सहमत नहीं है और उन्होंने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है। आज तमाम बयान ऐसे हैं बीजेपी के, क्या बीजेपी उनसे सहमत होगी? अभी प्रेम भाई ने स्वयं कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में गोल्ड दे दिया था। अरे भाई, किसने दिया? उसमें क्या जाति धर्म और वो आया था? लेकिन मैं उस विवाद में भी नहीं पड़ना चाहता। 15 वर्ष पहले 17 वर्ष पहले बिहार में जब सरकार आई तो सबसे पहले जितने हिंदू संस्थान थे वहाँ पर, उनकी जमीन इन्हीं की सरकार ने सबसे पहले कब्जाई थी लैंड सीलिंग एक्ट लगाकर। लेकिन मैं कोरोना का समय उस विषय पर भी नहीं जाना चाहता। विश्व में बहुत जगह पर बहुत सारे कदम कोरोना के लिए उठाए जा रहे हैं। इनकी सरकार 3 बार आई है, 77 में आई एमरजेंसी के बाद, उसके बाद 91 में आई, वीपी सिंह जी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई, और अब 6 वर्ष से सरकार है इनकी, बीच में अटल जी की सरकार रही। तीनों बार इन्होंने अपना सोना गिरवी रखा है, नहीं रखा है तो मुझे बता दीजिए। जब वीपी सिंह की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे और 2 साल पहले कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ये सरकार वो सरकार है जिसने 60 वर्षों से ज़्यादा लोन लिया है, कर्ज लिया है पिछले 6 वर्षों में, लेकिन आज का विषय वो भी नहीं है। अब कुछ बयान मैं आपको 4-6 बता देता हूं। कांग्रेस ने अपना आधिकारिक, मैं प्रवक्ता हूं, मैंने स्पष्टीकरण दिया कि हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। मोदी जी ने इतना काम किया है, सरकार के खजाने भरे हुए हैं, तो कहीं से और लेने की क्या आवश्यकता है? 20-20 लाख करोड़ के जुमले रोज छोड़े जा रहे हैं, तो कहां से लेने की आवश्यकता है? मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैट अप इंडिया, लेट अप इंडिया, इतने इंडिया स्टार्ट किए और 1 महीने में शराब की दुकानें खोलने की नौबत आ गई इस सरकार की, 1 महीने में इकोनॉमी ने घुटने टेक दिए। अब मैं 2-3 सवाल प्रेम शुक्ला भाई से पूछना चाहता हूं। जिस तरह के ट्रस्ट मंदिर और मस्जिदों के, गुरुद्वारों के हैं, उसी तरह का प्राइवेट ट्रस्ट पीएम केयर्स फंड है। सेम 1860 का जो ट्रस्ट एक्ट है उसी के तहत ये बना है, प्राइवेट ट्रस्ट है, इसका तो हम ऑडिट भी नहीं कराएंगे। मोदी जी ने 10 स्टेटमेंट में देता, उन्होंने कहा फौजियों से ज्यादा योगदान जो छोटे दुकानदार होते हैं उनका ज्यादा रहता है।
क्या बीजेपी सहमत है? मोदी साहब ने कहा 600 करोड़ आबादी है देश की, क्या बीजेपी सहमत है? मोदी जी, राजनाथ जी और आडवाणी जी, तीनों के वक्तव्य सुन रहा था मैं, तीनों कह रहे हैं आसाराम बापू पूजनीय है, बड़े बहुत पूजनीय है, क्या बीजेपी सहमत है? धूप से कोरोना ठीक हो जाता हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं, क्या बीजेपी सहमत है? उमा भारती मोदी जी के लिए क्या क्या कहती थी, क्या बीजेपी सहमत है? हम केवल ये जानना चाहते हैं, इसी चैनल पर न्यूज 18 पर आप ही के चैनल पर अमित शाह जी ने कहा कि 15 लाख वाला तो जुमला था, अब बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो ये बताएं वो इस बात से सहमत हैं कि जुमला था या वो जुमला नहीं था। आज हम तमाम स्टेटमेंट्स को पकड़ें किसने क्या कहा। अरे आप जी मुझे भी इतना ही बोलने दीजिएगा, आप इसी बात और कहना चाहते हैं, इसी बात कोरोना के समय आप टेकिंग योर पॉइंट, ठीक है समय पर गजनी को याद करने आलोक जी, ठीक है, मुझे लगता है कि कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए घुटने टेक दिए हैं, दिवालिया हो गई है, 2.5 लाख करोड़ रुपए आरबीआई से ले लिया रिजर्व फंड का, बैंक दिवालिया हो गए, उसके बावजूद इस्तेमाल करने से फुर्सत नहीं। ठीक है, अब मुझे मेरा उत्तर देने का अवसर देंगे जी, बीजेपी का इनके अनर्गल प्रलाप, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं जाना था दूसरे लोगों पे जाना चाहता था प्रतीक जी, बिल्कुल अवसर आपके पास है, मैं दूसरे के पास जाना चाहता था जी। कांग्रेसी कैसे जो है कसम खाकर झूठ बोलते हैं, इन्होंने कहा कि वीपी सिंह सरकार के समय गोल्ड दिया गया, साहब चंद्रशेखर जी की सरकार के समय सोना गिरवी रखा गया जिसको राजीव गांधी जी ने समर्थन दे रखा था, एक बात। स्वतंत्रता आंदोलन ने 1965 के युद्ध के समय मैंने, दूसरी बात। तीसरा, आप इस तरह के बयानों की बात आप करते हैं तो राम के अस्तित्व को नकारने वाले बयान को आप स्वीकारते हैं, आप ही की सरकार राम के अस्तित्व को ही नकार रही थी, आप श्रीमती सोनिया गांधी के इस बयान को, अंबिका श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार, अंबिका सोनी कल्चर मिनिस्टर थी, क्या आप उसको स्वीकारते हैं कि राम काल्पनिक व्यक्ति थे? ऐसे में 50 बयान आपको निकाल के दे दूंगा, मैं उत्तर देता हूं, इससे इससे लीजिए, सुन लीजिए अभी, और तो सुन अभी, इतनी जल्दीबाजी क्यों हो जा रही भाई साहब, जरा सुन लीजिए ना, फुर्सत से कह रहे हैं कि सरकार दिवालिया हो गई है, साहब सरकार दिवालिया नहीं हो गई है, और 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है उस पैकेज में अब आपके राहुल गांधी को कुछ समझ में ना आए अर्थव्यवस्था, अभिजीत के समझाने के बावजूद और रघुराम राजन के समझाने के बावजूद, तो अब उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, 20 लाख करोड़ के पैकेज की प्रशंसा यूनाइटेड नेशंस के जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो कर रहे हैं, अब आपके राहुल गांधी जीरो में ही उलझे रह जाए तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं साहब, आपके जो है 49 साल के बालक को कौन पढ़ा सकता है इकोनॉमी, तो आपका संकट है, आपकी पार्टी का संकट है, आपकी पार्टी में कहा जाता है 3 चिदम्बरम बयान देते हैं कि 1,000 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड का दिया जाए, वो नहीं पा रहे साहब कांग्रेस की सरकार में है, कि राजीव गांधी कहा करते थे कि 1 रुपया 85 पैसा बीच में बराबर हजम कर जाते हैं साहब, एक एक पैसा जो है प्रेम जी बराबर टाइम मिला जाता है, ये मोदी जी की सरकार है, प्रेम जी 12 लाख प्रेम जी बराबर टाइम, आलोक जी यहाँ पे मैं, आलोक जी देखिए मुझे, आलोक जी मैं आता हूँ, बहस अभी है, अभी आचार प्रबोध किशन भी है, आचार प्रबोध किशन भी है, बीएचपी भी है, नहीं आलोक जी यू विल योर रिप्लाई, आपको जवाब देंगे। मैं वीएचपी से जानना चाहता हूं कि अगर मंदिरों से सोना उधार लिया जा सकता है तो इसमें क्या बुराई है, इसको लेने में क्या दिक्कत है? अगर मदद के समय में अगर हम गुहार लगा लें और मंदिरों के पास रखा हुआ जो सोना है वो हम कम ब्याज में लेकर लोगों की मदद करें तो नर तो नारायण कहा गया है हमारे यहाँ, तो नारायण सेवा में क्या दिक्कत है भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ जी, जवाब दें, बीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आलोक जी ने पहले ही मना कर दिया कि मैं, यानी कांग्रेस पार्टी पृथ्वीराज जी की बात से सहमत नहीं है, ये आलोक जी ने पहले ही कह दिया। तो भी एक बात मैं कहूंगा कि देश भर में जब भी कोई संकट आता है, पहली बार कोई कोरोना संकट नहीं आया है, इसके पहले भी बहुत सारे संकट आए हैं, सैकड़ों हजारों सालों से संकट आ रहे हैं, कभी समुद्री तूफान का संकट आता है, कभी चक्रवात का संकट आता है, कभी भूज संकट आता है, कभी उत्तराखंड का संकट आता है, ऐसे अनेकों अनेक संकट देश में बार बार आते हैं, लेकिन आप इतिहास उठाकर देख लीजिए ऐसे संकटों में सामने कौन आता है, आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो यही मंदिर हैं, यही धार्मिक ट्रस्ट हैं जो अपने तिजोरी का मुंह गुजरात में भूकंप आया, गुजरात में भूकंप आया, मैं बताता हूँ आपको, गुजरात में भूकंप आया तो कई ऐसी इदारे थे, मुस्लिम इदारे थे जिन्होंने
गुजरात के भूकंप में काम किया, मैं पर्सनली जानता हूं, आप जानते हैं, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था उस जमाने में, तो मुझे अच्छी तरह से याद है। तो ये तो कहना कि वो नहीं मदद करते हैं, आप मदद करते हैं, और हम तो आपसे मदद मांग रहे हैं, हमें तो और किसी से नहीं मतलब, हम तो आपसे कह रहे हैं कि अगर आप दे सकते हो तो दीजिए जी। हाँ प्रतीक जी, प्रतीक जी, प्रतीक जी, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो मंदिर इस बार भी कोरोना संकट में भी देश भर के मंदिरों ने अपने दान के मुंह खोल दिए हैं, सेवा के मुंह खोल दिए हैं, जो ना देता हो उसको कहना चाहिए। कह कौन रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान जी कह रहे हैं, सुनिए, यानी वो अपील कर रहे हैं। अगर अपील करनी है देश की सरकार की, केंद्र की, के मुंह में जीरा है प्रदीप जी, विजय शंकर जी, विजय शंकर जी ऊंट के मुंह में जीरा है, वो ऊंट के मुंह में जीरा है, विजय शंकर जी ऊंट के मुंह में जीरा है, वो चौहान कहां से हो गए अपील करने वाले ये। और अगर इनको कहना था, अगर इनको कहना था तो चर्च को अपील क्यों नहीं की इन्होंने, इन्होंने वक्फ बोर्ड को अपील क्यों नहीं की, धार्मिक धार्मिक संगठन, धार्मिक ट्रस्ट, इनके उसमें लाखों लाख करोड़ धार्मिक ट्रस्ट में तो वो सारे इदारे आते हैं ना, मुस्लिम इदारे भी हैं, क्रिश्चियन इदारे भी हैं, सारे हैं, सारे हैं। मैंने वही कहा, मैं आपको विजय शंकर जी, विजय शंकर जी, मैं तो वही कह रहा हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, नर नर की नारायण सेवा मानी गई है, नर सेवा नारायण सेवा है। मैंने दधीच का उदाहरण रखा, अपने अपना अपना शरीर दे दिया कि वज्र बना लो, युद्ध के लड़ो। ऐसी परंपरा के लोग हम लोग, अगर मंदिर से ट्रस्ट से पैसा लिया जा सकता है और वो भी ब्याज पे, कम ब्याज पे, तो क्या क्या ये गलत है कहना? मैं तो कह रहा हूँ, कहना, मैं तो अगर वो कुछ हिला वाली कर रहे हैं, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या 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 गलत हो सकता है? आचार्य प्रमोद कृष्णन, प्रतीक जी, प्रतीक जी, जब राष्ट्र और धर्म पर संकट होता है, और जब जब संकट आया है तो भारत के ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, ऋषि मुनि महात्माओं की जो परंपरा है, तपस्वियों की जो परंपरा है, आश्रमों की जो परंपरा है, उसमें मंदिरों की जो परंपरा है, मठों की जो परंपरा है, उसमें राष्ट्र के साथ सब खड़े हुए हैं। और मैं आज भी ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे पूरा यकीन है, न केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च भी भारत पर अगर संकट आएगा तो खड़े होंगे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी का जो बयान है, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो धन ना तो सरकार का है, मंदिरों के पास जो संपदा है, जो धन है, वो सरकार का नहीं है, वो भक्तों का दिया हुआ धन है। और भक्त तब धन देता है, भगवान को देता है, श्रद्धा के वशीभूत होकर, आस्था से जब उसका माथा झुकता है तो देता है। और वो पंडे पुजारियों का भी धन नहीं है, वो ट्रस्ट का भी धन नहीं है, भगवान का धन है। जब राष्ट्र पे संकट आएगा तब बिल्कुल दिया जाएगा, पीछे नहीं रहा जाएगा। लेकिन ये जो विवाद है ये इस बात का नहीं है, ये मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है, ये राष्ट्र संकट है या नहीं है, पार्टी राष्ट्र संकट है या नहीं है। महाराज प्रतीक जी मुझे 20 महाराज, ये राष्ट्र संकट है या नहीं है, 20 सेकंड और दीजिएगा। है बिल्कुल है। लेकिन क्या सरकार ने मंदिरों से धन मांगा? क्या सरकार ने ये कहा कि हमारे पास दरिद्रता का माहौल हो गया, हमारी झोली खाली है, भर दो, और फिर कोई मठ मंदिर मना करे? सवाल ये पैसा पृथ्वीराज चौहान जी का तो है नहीं। पृथ्वीराज चौहान जी को हक तब बनता था जब पृथ्वीराज चौहान जी अपना धन तो दें, अपने मित्रों का धन दें, अपने रिश्तेदारों का धन दें, तब तो वो मांगने के हकदार हैं। और प्रतीक जी मुद्दा ये नहीं है, मैं जो कहना चाहता हूँ उसे आपने सुना नहीं, मुद्दा ये है कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए, हिंदू संतों की विरोधी सिद्ध हो जाए, मंदिरों के विरोधी सिद्ध हो जाए। कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे कुछ नेता हैं जो पौरुष के हाथी हैं, जो शत्रु पक्ष का नुकसान नहीं करते, अपनी पार्टी यही है। आचार्य जी, सेल्फ गोल, आचार्य जी, आचार्य जी, सेल्फ गोल, आचार्य जी, आचार्य जी, मुश्किल दरअसल यही है, मुश्किल दरअसल यही है, जो मैंने कहा उसे किसी ने नहीं सुना। दरअसल यह है कि हिंदू और मुसलमान आमने सामने खड़े हो जाए बात हो रही है, और मैं कह रहा हूं कि अरे ये त्याग तपस्या की ये भूमि है, इसमें दान दिया जाता है, दान लिया जाता है, मैं ये बात कह रहा हूं। और दरअसल बात यह हो रही है कि वो हिंदू पक्ष के हैं, वो मुसलमान पक्ष के। मैं हिंदू मुसलमान करना नहीं चाहता, मैं कहना चाहता हूं त्याग की भूमि है, साथ आगे आइए, साथ पैसे दीजिए, बहस करना जहां होती ही नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते आचार्य जी, तो मैं ये कहता हूं आचार्य जी, आगे आए ना, कौन करना चाहता? मठ मंदिर आगे आए, सामने आए और दान दे रहे हैं। इसमें क्या, मैं तो कहता हूँ चौहान साहब ने क्या गलत कहा? सरकार मैं कहता हूँ चौहान साहब ने क्या गलत कहा? सरकार कहे तो सही, सरकार कहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सब खजाना खोल दिया जाएगा, सरकार कहे तो सही। महाराज माफ करिएगा, महाराज माफ करिएगा, आपको पैर की बीमारी नहीं दिख रही, पैर की बीमारी नहीं दिख रही,
मजदूर के छाले नहीं दिख रहे आपको, वो लोग नहीं दिख रहे जो हमें दिख रही है, बैठ के बच्चा जा रहा है। त्रिवेदी जितना लिए, आपको लिए, दिख रहा है उतना हमें भी दिख रहा है, सारे देश को दिख रहा है, सारे देश को दिख रहा है। अगर दिल नहीं पसीज रहा, महाराज अगर दिल नहीं पसीज रहा, महाराज अगर दिल नहीं पसीज रहा तो वो धन किसी काम का नहीं है, वो धन किसी काम का नहीं है, वो धन किसी काम का नहीं। महाराज माफ करिएगा, मैं आया, मैं अगर पूरी बात करूंगा, जाने को लेना चाहते हो मैं पूरी बात करूंगा, आपसे कहना पड़ेगा, सरकार को कहना पड़ेगा, सारे नहीं लेना चाहते, मस्जिद गुरुद्वारे जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं गरीबों की मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। प्रतीक जी आप अकेले देशभक्त नहीं है, माफ करना, ये सारा इस देश के अंदर जो बच्चा बच्चा पैदा हुआ है वो देशभक्त है, वो सब मदद कर रहा है। आप इस तरह के एलिगेशन नहीं लगा सकते सरकार से, सरकार झोली फैलाए। अभी तो सरकार कह रही है 20 लाख करोड़ बांट रही है, सरकार को जरूरत नहीं है। पृथ्वीराज चौहान क्यों आगे आ गए? पृथ्वीराज चौहान पहले अपना दान करें, अपने रिश्तेदारों का दान करें। भगवान के पैसे पे आपकी नजर है, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं पृथ्वीराज चौहान के बयान की निंदा करता हूं। महाराज मैं आया, बिल्कुल निंदा करता हूं। मैं आया, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मैं ब्रेक पे आता हूं। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आखिर डर क्यों है? सरकार कहे, अरे कहना क्या है, ये परंपरा है इस देश की, ये भूमि है वो, कि कहा जाएगा, अरे दिखना चाहिए, और नहीं दिख रहा तो वाह मेरे देश। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल जब बहस हो रही थी तो तमाम सारे मेहमानों के बीच बातचीत के सिलसिले में एक बात आई कि दरअसल ये प्रमोद किशन जी ने कहा कि दरअसल ये कहीं लड़ाई इस बात की दिखाने की है कि बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और वो सिर्फ हिंदू के पक्ष में खड़ी होने वाली पार्टी है। मैंने कहा कि मंदिरों, ट्रस्टों और जो तमाम धार्मिक संस्थाएं, उनका जो सोना है, जो उनका औदार्य है, जो वो दान देना चाहते हैं, वो ऐसे कोरोना के संकट में इस्तेमाल हो, ये मेरा मुद्दा है, ये मैं ये सवाल पूछ रहा था और मैं विषय को इधर ले जाना चाहता हूं, ना कि हिंदू और मुसलमान की तरफ। शुएब जमाई साहब मैं आता हूं आपके पास, और जूना अखाड़े से संत हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपके पास भी मुखातिब होता शुएब जमाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति है वक्फ की, मतलब अगर बात करें कि वक्फ की देश में सबसे ज्यादा है, ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे समय में, और ज्यादातर जो है आपकी है वो रूरल प्रॉपर्टीज हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत है तो क्या आपको आगे नहीं आना चाहिए था? क्या आपके तरफ से, संस्थाओं की तरफ से आना नहीं चाहिए था? और जो सवाल पूछा जा रहा है, मैं दूसरी तरफ से पूछ रहा हूं, वो सवाल आपसे भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं, जब पूरे तो आपके धर्म में एक हिस्सा की दसवां हिस्सा जाना चाहिए, दशांश हिस्सा जाना चाहिए, ज़कात की बात है, तो ऐसे समय में आगे आना नहीं चाहिए क्या? यह गलत है क्या कहना जमाई साहब, शुएब जमाई साहब? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए प्रतीक जी, जब आपके चैनल का कॉल आया तो मैंने कहा कि भाई मैं मजदूर साथियों के बीच में रहूंगा तो मैं कैसे लाइव कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि सर आप मजदूरों के बीच में रह करके कर दीजिएगा। अभी देखिए मेरे पीछे मजदूर ही बैठे हुए हैं। हमें ये खबर मिली थी कि भाई पाकुड़ झारखंड से जो है 25 मजदूर जो सिंगापुर एम्बेसी में काम करते थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया और यहाँ सनडायल के पास में फंसे हुए हैं, ये जो गाजियाबाद जाने वाला रास्ता। तो मैं अभी आया, इन लोगों से बातचीत की और मैं अभी इनको लेकर के अधिकारी के पास जा रहा हूँ ताकि उनको गाजियाबाद जाने दिया जाए और इनसे तो मैं जो मजदूरों से मैं मिल रहा हूँ और आप भी कई सारे मजदूरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जब मैं उनके पाँव के छाले देख रहा हूँ, जब उनकी परेशानियां देख रहा हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ, पूछा उसका जवाब सवाल जो पूछा है जनाब उसका जवाब दे, उसी पर जवाब दे रहा हूँ। तो मैं जब इन मजदूरों के बीच में हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है मानवता के आधार पर, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है और ना ही मैं करना चाहता हूँ, कि हर किसी को आगे आना चाहिए। मैंने सवाल उठाए कि जो दरगाह है, जो दरगाहों में जो यहाँ से हैं उन लोगों को भी आगे आकर के बात करना चाहिए। और हमने वेयर अबाउटीज नहीं की, मैंने कहा कि हमारे मुसलमानों में 2.5% अपनी आमदनी का निकालना यानी गरीबों को जकात देना ये फर्ज है और ये इस्लाम का हिस्सा है, जिस तरीके से नमाज पढ़ना फर्ज है और रमजान में सारे मुसलमान निकालते हैं लगभग जकात 2.5%। आप बताइए मुझे कौन से इदारे आगे आए? मैंने 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 जब बहस हो रही थी तो मैंने कहा कि जब गुजरात में कच्छ में भूकंप आया तो मुझे मालूम था उस समय, तो मैंने उसका उदाहरण रख दिया, लेकिन मुझे आप बताइए इस समय जरूरत है देश को तो कौन आगे आ रहा है, ये मुझे बताइए, जानना चाहते हैं। रोज हम बहस करते हैं, हिंदू मुसलमान तो बहुत होता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ देश के निर्माण में कौन सी संस्थाएं, मुस्लिम संस्थाएं आगे आ रही हैं और
जहाँ तक दान का सवाल है वो, जकात का सवाल है वो आगे रख रही। मैं जानना चाहता हूँ, देश जानना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब देना। जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि हर साल जो जकात का पैसा जो उनको दिया जाता है वो मुसलमान उनको ना दे करके आसपास के जो रहने वाले गरीब है और जो तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी या फिर जिस तरीके से मदद आप कर सकते हैं इस कोविड के टाइम पे वो करें। दूसरी बात की अजीम प्रेम जी हिंदुस्तान के बहुत बड़े कारोबारी है, विप्रो के चेयरमैन है, वो मुसलमान है। उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दान यानी 1,000 करोड़ रुपए इस कोविड के मुसलमान हो गए। शुएब जमाई साहब, शुएब जमाई साहब, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए भाई। अजीम प्रेम जी मुसलमान हो गए इस मुल्क में, इस मुल्क में अजीम, जब अजीम मुराद अजीम जमाई साहब जब वो दे रहे थे, जकात कर रहे थे या दान दे रहे थे तो उन्होंने इसलिए ये दे रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर कोई इवन हियर एक्चुअली वी कांट क्रॉस आई डोंट देता है या कोई देता है तो ये हिंदू मुसलमान की बात। आप मंदिरों और मस्जिदों में क्यों इतने को एक डिबेट, सुनिए मेरी बात जमाई साहब, जमाई साहब, आप जैसे लोगों ने डिबेट का डिबेट को लाके वहां चौराहे पे खड़ा कर दिया, उस चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया जहां देशों में ऐसी डिबेटों से घरों में दरार पड़ने लगी। आप सारे लोग जिम्मेदार हैं, जवाब देते नहीं बनेगा मुल्क 20 साल बाद। मैं आपको बताता हूँ, आपको जवाब नहीं देते बनेगा आपको। हम हिंदू मुसलमान की बात, मैं तो मजदूरों की बात कर रहा हूँ। आपने क्या कहा, अजीम प्रेम जी मुसलमान है, आपने क्या कहा? आप मुझे अफसोस होता है, मुझे अफसोस, प्रेम जी मुसलमान है, अजीम अजीम प्रेम जी मुसलमान है, हिंदू मुसलमान की बात करूंगा मैं तो मजदूर की बात को लेकर रहा। मैंने कहा कि दरगाहों से भी हमने कहा, मुसलमानों से भी कहा। अजीम आपने क्या कहा कि अजीम प्रेम जी मुसलमान है, अजीम प्रेम, मैंने मुझे बताइए अजीम प्रेम जी मुसलमान है। मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा आज आपका, मैं जवाब नहीं दूंगा। ये मुल्क के लोग आपको जवाब देंगे, ये मुल्क के लोग जवाब देंगे आपको। अजीम प्रेम जी मुसलमान हो गए तो उनका अपना मत है। मैं तो अपने मुसलमानों से तो गुजारिश कर ही सकता हूँ दरगाहों में या 2.5%। मैं जानता हूँ, मुझे बताइए कौन से इदारे हैं, मुझे बताइए कौन से इदारे हैं, मुझे बताइए कौन से इदारे हैं, कौन से वो लोग हैं, कौन से इदारे हैं, उनकी फहरिस्त बताइए। मैं तो एक फहरिस्त लेके आया हूँ मंदिरों की, आप बताइए मुझे, मुझे बताइए। मस्जिद कमेटी, अरे भाई सुनिए ना, बताइए, पढ़ के बताइए। आप ऐसे पत्रकार नहीं थे आज, पता नहीं आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए हर मस्जिद कमेटी, मुझे और अजीम प्रेम जी की बात पर गुस्सा आया, सुन लीजिए, अजीम प्रेम जी की बात पर गुस्सा आया, अजीम प्रेम जी मुसलमान नहीं है, इस बात को कान खोल के सुन लीजिए। 25 करोड़ क्यों, जब इस देश में हिंदू मुसलमान की बात होगी कि अजीम प्रेम जी का यहाँ से जो कंट्रीब्यूशन है उसको क्यों नहीं देखा जाएगा, और सिपला का आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, वो मुसलमान है इसलिए शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा इस मुल्क में जवाब देते नहीं बनेगा आपको, 25 जवाब सवाल आपसे हर चौराहे पे पूछा जाएगा। 25 करोड़ मुसलमानों ने जकात देकर, उनका 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 मकान देखिए, अब उनका मकान देखिए, फिर अपनी बात की तुलना करिए, अपनी बात की तुलना करिए। 25 करोड़ मुसलमानों ने जकात देकर जो है इस बार जो है, और हर साल देते आए, सिर्फ इस बार नहीं, हर साल जकात दे करके गरीबों की मदद करते हैं। मैं तो उस बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये तो उनका फर्ज है, वो प्रतीक जी मैं आना चाहूंगा, लेकिन जी, मुझे जरूर टाइम दीजिएगा। आचार्य प्रमोद किशन जी, आचार्य प्रमोद किशन जी, मैं आराम से लेशानंद जी आ रहा हूँ, मैं दरगाहों की बात, आचार्य प्रमोद किशन जी, आचार्य की बात कर रहा हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? ये लोगों ने हमारे यहाँ तो गरीबों की मदद कर करके उसको जताना, ये हमारे परंपरा में हो रहा है। मेरे पास अभी मेरे पास फोन आया, मेरे पास फोन आया हरियाणा से, किसी ने कहा कि मैं मेरे मंदिर से 20 लोगों को खाना खिलाया गया, तो गिलहरी भी कंट्रीब्यूट कर रही थी राम सेतु बनाने में, और नल नील भी कर रहे थे, नल नील जो थे मैनेजमेंट के साथ चल रहे थे, और जो छोटे मंदिर है वो अपने हिसाब से 40 लोगों को खाना खिला रहे हैं। बड़ा कंट्रीब्यूशन बताइए देश को, देश जानना चाहता है आपसे, देश जानना चाहता है, बताइए कौन सा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा प्रतीक जी, शोएब जमाई थोड़ी खामोशी बरती है प्लीज। विजय शंकर जी आ रहा हूँ, विजय शंकर जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आचार्य प्रमोद किशन, शोएब जमाई थोड़ा सुने, शोएब जमाई आ रहा हूँ। देखिए एक तो प्रतीक जी, आपका जो, हाँ
नहीं नहीं, मैं शोएब जमई की बात से मुझे तकलीफ पहुंची है। शोएब जमई की बात से इसलिए तकलीफ पहुंची है कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो हिंदुस्तानी पहले होना चाहिए और हिंदुस्तानी पहले है। शोएब जमई इस तरह से मुसलमान कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे हिंदुस्तान अलग है और मुसलमान अलग है। अरे भाई, इस देश में जब आफत आ रही है और आफत आएगी तो हिंदू मुसलमान मिलकर के हमेशा एक साथ खड़ा रहा, तो ये अलग अलग अलगाव वाली बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा, प्रतीक जी मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर लगभग 10 लाख के करीब आश्रम, मठ, मंदिर और छोटे बड़े ट्रस्ट हैं जहां तक है। मैं बिल्कुल आपसे ये इत्तफाक रखता हूं कि सबको आगे आना चाहिए, मगर सनातन धर्म का एक एक संत राष्ट्रभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत है। मुझे, मेरे मतभेद हो सकते हैं बहुत से संत महात्माओं से, किसी के मुझसे हो सकते हैं, लेकिन देश पे जब संकट है तो सब हम एक हैं। पृथ्वीराज चौहान जी के बयान से हम इसलिए इत्तेफाक नहीं रखते हैं क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी के कहने पर कोई दान दक्षिणा थोड़ी करेगा, पर सरकार, हम मान लीजिएगा सारे लोग इकट्ठे होकर ये सोचें कि हम सेवा करना चाहते हैं, जिस तरह से जो जिस योग्य है वो आश्रम, मठ, मंदिर, ये तो हरिश्चंद्र की परंपरा है, आचार्य हरिश्चंद्र की परंपरा है, ये तो राजा मूर्ध्वज की परंपरा है, जहां आपने सुपुत्र मकरध्वज को चीर के दान दे दिया था, दे दिया था प्रतीक जी, हम सब एक साथ हैं। पता नहीं क्यों बहस करने का, आज आपसे बहस करने का, आज आपसे बहस करने का मन है आचार्य जी, आचार्य जी पता नहीं क्यों आज आपसे बहस। इस देश में एक सुप्रीम कोर्ट भी है, कोर्ट व्यवस्था है, जरूरी नहीं हर याचिकाएं डाली जाएं, एक सुमोटो होता है, स्वयं संज्ञान लेना, स्वयं संज्ञान लेना। पिछले 2.5 महीनों से होता है, 2.5 महीनों से सारे लोग, आपने कहा ना आप देशभक्त नहीं, सारे लोग देशभक्त, मैंने कहा, मैं तो छोटा सा प्यादा क्या प्रीति का शोरबा, सारे लोग कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ, संज्ञान, स्वयं संज्ञान, प्रशंसनीय नहीं है हर चाक, एक मिनट श्वेत जमाई हमें आप पे फक्र है, आपकी राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि देश के संतों की राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं है। प्रत्येक संत राष्ट्रभक्त है, जान दे देंगे हम अपनी किसी देश के लिए, और ऋषियों ने, मुनियों ने, परंपरा है हमारे देश की दी है, हमने तो नाम लिया, हमने तो अपनी बहस की शुरुआत दधीच से की, बहस की शुरुआत दधीच से की, ये मुल्क वो है, इसकी पहचान है, सनातन परंपरा की वो पहचान है, मैंने तो शुरुआत वहीं से की, नर से नारायण से शुरुआत करी। शैलेशानंद जी बहुत मौजूद हैं, मथुरा के हैं, शैलेशानंद जी आपके पास आना चाहता हूं, अयोध्या के हैं, हरिद्वार के हैं, पुरी के हैं या दक्षिण भारत के हैं, अपने अपनी श्रद्धा और अपनी अपने तमाम सुविधा के अनुसार से अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं और देंगे, देते रहेंगे। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल सिर्फ ये था, सरकार कहे तो सारे आश्रम अपनी संपदा और अपने खजाने खोलेंगे, क्यों नहीं खोलेंगे, राष्ट्र पहले है हमारे लिए, मगर चलिए सरकार कहे बिल्कुल, सरकार कहे तो समंदर में धन कहां जा रहे हैं। शैलेशानंद जी डिस्कनेक्ट हो जी, मैं आता हूँ। बीएचपी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे थे, ये उनका मत महत्वपूर्ण है। विजय शंकर तिवारी जी, मैं आ रहा हूँ, कौन आ रहा हूँ, आलोक जी आपके पास आ रहा हूँ, प्रतीक जी, विजय शंकर तिवारी जी महत्वपूर्ण है, प्रतीक जी, हाँ देखो प्रतीक जी आचार्य जी जो बात कह रहे हैं 100% सही कह रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर बार हम हर बात पर सहमत हूँ, आज जो बात कर रहे हैं बिल्कुल 100% सहमत है। एक दूसरी बात मैं अगर गिनाना शुरू करूंगा, आप जो बात कह रहे हैं गिनाना शुरू करूंगा, अकेले सेवा भारती ने 4 करोड़ लोगों को खाना खिला दिया, विश्व हिंदू परिषद ने अकेले 1 करोड़ लोगों को खाना खिला दिया, इस्कॉन जैसे एक संस्थान ने 4 करोड़ लोगों को लगातार खाना खिलाया है, यानी ये तो मैंने 3 नाम गिनाए हैं, यानी जो धर्मस्थान है, धर्म संस्थान है, इन्होंने अपने तिजोरियां खोल कर रखी हुई हैं, और जैसे आचार्य जी ने कहा अगर सरकार को आवश्यकता होगी सर, ये बात नहीं थी, विजय शंकर जी करेगी, विजय शंकर जी सारे के सारे मंदिर, विजय शंकर जी बात ये नहीं थी, सारे लोग कर रहे हैं। एक सुझाव ये आया कि क्या मंदिर, जो मंदिर भी नहीं है, धार्मिक ट्रस्ट है, सवाल ये है धार्मिक ट्रस्ट, उसमें किसी मंदिर का नाम नहीं है, किसी क्रिश्चियनिटी का है उसमें नहीं जिक्र है, कोई मुस्लिम उसमें नहीं, धार्मिक ट्रस्ट की बात है, तो धार्मिक ट्रस्ट में सारे लोग आते हैं। मैं शैलेशानंद जी के पास जाना चाहता हूँ, पंचनाम दशनाम जूना अखाड़े से संत हैं जी, स्वामी जी आपका मत जानना चाहते हैं, ऐसे समय में, संकट के समय में क्या आगे आना चाहिए। देखिए राष्ट्र सर्वोपरि है प्रतीक जी, राष्ट्र सर्वोपरि है, यहाँ पर जितने भी विद्वत जन बैठे हैं सबकी मंशा एक है, किंतु मार्ग अलग अलग हो रहे हैं, किंतु एक हिडन एजेंडा इसके अंदर कहीं ना कहीं कई बार निकलता हुआ देखता है राजनीतिक के लोगों के बीच में,
हम दान करें तो पात्र को करें कि कुपात्र को करें? हमारे दान का उपयोग कहाँ हो रहा है? हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी हो, सब खुले पड़े रहने चाहिए और इनको आगे बढ़कर के दान देना ही पड़ेगा। जहां तक कानूनी दाव पेच है, बहुत गहरी बात आप लोगों ने, बहुत गहरा विषय उठाया है कि नॉन कॉर्पस कॉर्पस फंडिंग की इसके अंदर बातचीत है। तो कॉर्पस क्या और नॉन कॉर्पस क्या है, इसको शासन को देखना है। इसके अंदर कोई भी संत अपना कदम पीछे नहीं हटा रहा है। इस राष्ट्र का इतिहास है, राजनीतिक दल तो अभी बने हैं आजादी के बाद, उसके पहले भी हमारे अखाड़ों के जितने भी संत थे उन्होंने युद्ध लड़े मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ। और आज ये जो विपदा आई है, इसके अंदर भी सबसे पहले आपको मैं उल्लेखित करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने निजी तौर पर, मैंने मेरा आश्रम आइसोलेशन चैम्बर के लिए शासन को प्रस्तावित किया। मेरे गुरु ने 1.5 करोड़ रुपए सीधे शासन के फंड में दिए। तो ये किस लिए दिए होंगे? हम लोग भी तो यही चाहते हैं ना कि भारत की हमारी जनता, हमारे अपने भक्त लोग, हमारे सनातन संस्कृति के संवाहक है, हम उनकी रक्षा नहीं करेंगे, उनकी सहायता नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? खोल देना चाहिए सारे खजाने, तिजोरी सब। हम संत बने किस लिए? हम संत बने तन मन धन सब अर्पित करने के लिए, शरीर मन बुद्धि आत्मा। हमने सब राष्ट्र के नाम त्याग दी, हमने ईश्वर के नाम पे त्याग दी। हमें कुछ नहीं चाहिए, शासन बोले किंतु स्पष्ट रूप से बोले कि कहां पर उस धन का उपयोग होगा और कैसे होगा। जिस खजाने में जा रहा है उसको सार्वजनिक करना होगा, उस खजाने को आपको पारदर्शी बनाना पड़ेगा। यदि प्रधानमंत्री राहत कोष में जा रहा है तो उस खाते को आप सार्वजनिक कर दीजिए। आप कहां रुकते हैं जी? आप किस जगह को छुपाते? आपका एक भी पॉइंट आया, महत्वपूर्ण है आपका भी पॉइंट, आपका महत्वपूर्ण है भी पॉइंट। आलोक शर्मा, देन बीजेपी के प्रवक्ता जी, आलोक शर्मा जी। मुझे लगता है मुझसे पहले जो संत प्रवक्ता बोल रहे थे उन्होंने एक बहुत छुपी हुई बात बोली, उन्होंने कुपात्र शब्द का इस्तेमाल किया। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हम सब हिंदुस्तानी हैं और सब पात्र हैं, और आज जो मजदूर जिनकी बिवाइयां फट रही हैं वो किसी भी जाति और किसी भी कुपात्र से मेरा आशय किसी व्यक्ति विशेष शासन से नहीं है, उसकी उपयोगिता के ऊपर है। मैं तो फिर भी आपका सम्मान कर रहा हूँ सब। मैं किसी बात पे, किसी शब्द पे आपसे असहमत हो सकता हूँ, मेरा विशेषाधिकार है। लेकिन आज का विषय ये है कि आज जिस तरह से पीएम केयर्स फंड को छुपा कर रखना चाहती है सरकार, वो संत महात्मा साहब ने आखिर में कहा कि आप उसको खोल दीजिए ना, उसको ऑडिट करा दीजिए। हो सकता है उसी में बहुत ज्यादा फंड और भी आ जाए और तमाम धार्मिक संस्थाएं भी उसके अंदर अपना योगदान दें और स्वतः दें। मुझसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि साहब हम तो 20 लाख करोड़ दे रहे हैं। देखिए, लोन को किसी भी रूप में, डिस्कॉम को दिए गए 90,000 करोड़ को किसी भी रूप में आप पैकेज नहीं मान सकते हैं। और पैकेज की हवा तो दो मंत्रियों ने इन्हीं के निकाल दिए। गडकरी साहब ने कल बताई दिया पीएसयू उसके बारे में क्या हुआ है, और मनरेगा जिसको मोदी साहब ने कहा था कि जीता जाता स्मारक है ये, उनकी उसकी उस पूरी तरह से बड़ाई करके निर्मला सीतारमण जी ने हवा निकाल दी है। मैं आज उस विषय पर भी नहीं जाना चाहता। आज हिंदू मुस्लिम का वो नहीं है। प्रतीक जी, मैंने तो देखा है कि सिख धर्म जो है वो सबसे आगे रहता है इस तरह की चीजों में, लेकिन तुलना नहीं कर सकते हम। जितनी आबादी उनकी कम है, क्या उन्होंने देश की आजादी से लेकर आज तक और विदेशों तक बहुत ज्यादा दान नहीं किया है? एक राजस्थान की जैन संस्था है, उसने शायद सबसे ज्यादा वहां पर किया हो उदयपुर के अंदर। तो मैं आज कंपेरिजन की बात नहीं, विश्व हिंदू परिषद अपने आप को मठों का, हिंदुओं का ठेकेदार ना समझे। जो राम मंदिर के पैसों का हिसाब नहीं दे पाए आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। तिवारी साहब मेरे बड़े भाई की तरह हैं, लेकिन इसको हिंदू मुसलमान मत बनाइए। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं 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 आलोक जी मैं ऑब्जेक्शन इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ कि आपकी सरकारों ने बार बार ऑडिट किया है। नहीं नहीं गलत नहीं नहीं आलोक जी ना 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 आपकी सरकारों ने ऑडिट किया तो पहले से चल रहा था। आलोक जी ऑडिट करा लेते हैं आप, विश्व हिंदू परिषद को आलोक जी आंदोलन तो तब से चल रहा था। आलोक जी की आपकी सरकार से तो करा लेते हैं आप। इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क क्यों खड़ा कर रहे हैं आप? अगर कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा है तो वो बताइए आप। प्राइवेट ट्रस्ट का ऑडिट सरकार नहीं करा सकती है, नहीं किया है। अगर ऑडिट किया है तो उसको बताइए अगर उसमें कोई गड़बड़ है। तिवारी जी मैं बताता हूं। देखिए, पीएम केयर्स फंड भी एक प्राइवेट ट्रस्ट है, 1860 का जो ट्रस्ट एक्ट है उससे बना है, और वैसे ही आपका एक्ट है। इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा करना चाहिए। देखिए, आपका ऑडिट जो है वो सरकार नहीं करा सकती है आधिकारिक तौर पर, आप मना कर देंगे। मुझे लगता है कि आज का विषय ये भी नहीं है। आज का विषय यह है कि जो 8 करोड़ लोग सड़कों पर मजदूर बैठे हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उसके लिए बताएं क्या करेंगे। 8 करोड़ मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपया दिया, यानी कि 450 रुपया एक आदमी के लिए। 450 रुपए में वो खा भी लेगा, घर भी चला जाएगा, उसकी बिवाइयां भी जुड़ जाएंगी और वो 2 महीने अपने घर का राशन भी ले लेगा।
मुझे लगता है कि जिस तरह के मंत्रियों के बयान आने हैं, आज रेल मिनिस्टर का जो बयान आया है वो शर्मसार करने वाला है। स्मृति ईरानी जी कह रही है 80 करोड़ परिवार है हिंदुस्तान के अंदर, 8-9 करोड़, स्मृति ईरानी कह रही है 9 करोड़ आलोक जी, देवेश उपाध्याय चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कहते हैं ऑल ट्रस्ट गवर्नमेंट और अदरवाइज आर गवर्न बाय द एक्ट ऑफ 1860। एग्जैक्टली आलोक शर्मा जी इज मिसलीडिंग द व्यूअर्स, ऑल द ट्रस्ट गवर्नमेंट और अदरवाइज आर गवर्न बाय द एक्ट ऑफ 1860, जो ऑडिट की बात आप बार बार कह रहे हैं उस पर देवेश उपाध्याय सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मोदी जी ने जो बनाया वो भी प्राइवेट ट्रस्ट है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर हाथ खड़े कर दिए। अगर वो पार्लियामेंट उसी के बारे में वो कह रहे हैं, उसी के बारे में वो कह रहे हैं, उसी के बारे में कह रहे हैं। मैं कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता का एक छोटा सा, ऑफकोर्स ऑफकोर्स ऑफकोर्स, देखिए दो चीजें प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला जी आप एक छोटा कमेंट करिए उसके बाद में आपके पास आता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रतीक जी दो चीजें हैं, आलोक जी को कुछ कहना भी नहीं और सब कुछ अनर्गल कहना भी है। वो कहते हैं कि साहब जो है पब्लिक ट्रस्ट प्राइवेट ट्रस्ट जो है वो ऑडिट नहीं करते। एक प्राइवेट ट्रस्ट मैं भी चलाता हूँ, हर साल मुझे जो है अपना ऑडिट पेपर जो है यहाँ के सीएजी करती है क्या, मिनिस्ट्री को देना पड़ता है, करती है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है क्या, आपका प्राइवेट सीए करता है भैया, इनके सुनो तो यार बीच में चिल्लाने लगते हैं। नहीं नहीं आप बताइए ना कौन करता है, बताइए, अनर्गल तो आप बोल रहे हैं, इनको इनको जरा रक्तचाप की बीमारी है प्रतीक जी, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं बोल रहा था प्रतीक जी, सबको कर दिया पूरा देश चाहता हूँ, इनको इनको नरियाने दीजिए, नहीं नहीं भाई मुझे दीजिए, बता दीजिए कि क्या प्राइवेट ट्रस्ट का ऑडिट सीएजी करता है क्या, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं भैया, चुकरिए आपके ट्रस्ट का ऑडिट सीएजी करता है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है क्या, सुनो तो मेरे भाई प्रतीक जी, यही बहस का तरीका है, फिर बोलेंगे आप बोलने नहीं दूंगा, बोलेंगे तो मैं रोकूंगा, बोलिए, बिल्कुल ये तरीका नहीं, आप बोलिए, मैंने तो बहस की नहीं, फिर मैं बोलूंगा बोलने नहीं पाएंगे, बोलिए प्रेम शुक्ला जी, जब बोलेंगे मैं बोलूंगा, फिर मुझे रोकिएगा मत। प्राइवेट ट्रस्ट का जब हम अपना कोई भी ऑडिट कराते हैं तो ऑडिट जाता किसके पास है, गवर्नमेंट एजेंसी है जिसके पास है जाता है, गवर्नमेंट एजेंसी कौन चलाता है, लॉ एंड ज्यूडिशियल मिनिस्ट्री चलाती है, तो सारा उसमें कुछ गलत रहा तो क्या होगा, सरकार का एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाएगा, फिर बीच में बोले अरे इनको रक्तचाप, बड़े बीमार आदमी को ले आते हैं साहब बात करने को, अरे साहब बीमारी घर पर रखिए साहब, मैं आप ये जुबानी गुलाब जो घर रखिए, नहीं 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा सत्तर मेरा प्रतीक की रख, कोई बात नहीं, मैं दोनों को रखता हूँ, वक्त छोड़ दे, ब्रेक के बाद मैं आता हूँ ब्रेक के बाद आता हूँ, प्रेम शुक्ला जी ब्रेक के बाद आता हूँ, आलोक जी मुस्कुराते रहिए ऐसे ही, मैं आता हूँ, वक्त छोड़ दे ब्रेक का। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है, और पाजी हमारे साथ पीछे कैमरे पे मौजूद आज बहस में वो भी शरीक है। आचार्य प्रमोद किशन जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वीराज चव्हाण के इस बात पे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और ये बात सच है कि सहमत होने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, हम आए भी नहीं हैं, कुछ बातों पर सहमत हो सकते हैं, किसी बात पर असहमत हो सकती है, और ये बहस का हिस्सा है हमारे, और हम इस पर बहस कर रहे हैं, और इस बात पर आचार्य जी ने कहा कि सरकार कहे हम अपने खजाने खोलने के लिए तैयार हैं, हम अपनी बाप पैसा देने के लिए तैयार, लेकिन सरकार को कहना चाहिए पृथ्वीराज चव्हाण की बात को हम क्यों माने। ठीक है आचार्य जी, ऑफ कोर्स आपका राइट बनता है, मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आज आप परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता को वक्त देना चाहते हैं, इल्जाम लगेगा कि आलोक जी को टाइम दिया, प्रेम शुक्ला को टाइम नहीं दिया। जय प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, बोल दिया मैंने, बोल दिया प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी बोले। आज आज आलोक शर्मा जी यहाँ वहाँ की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मूल मुद्दे पर नहीं आना है। पृथ्वीराज चव्हाण ने जो बात की उसमें छुपे तौर पर उनका इरादा हिंदू मंदिर टारगेट थे। अगर आप कहते हैं कि भाई सारी परिसंपत्तियां जितने भी धार्मिक ट्रस्ट हैं उनकी परिसंपत्तियों का सदुपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय समायोजन में किया जाना चाहिए तो किसी को आपत्ति नहीं होती, क्योंकि हर कोई जानता है, इसमें हर कोई भली बात जानता है कि साहब सोना चढ़ाने की परंपरा, सोना संग्रह की परंपरा सिर्फ हिंदू मंदिरों के पास है, चर्च इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त नहीं है, इस तरह की दान देने की परंपरा इस्लाम में सोना दान देने की परंपरा नहीं है। आप ये कहिए ना कि सारे लोगों की जो परिसंपत्तियां हैं उनका सदुपयोग राष्ट्रहित में हो, कोई इस पे हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, लेकिन जब आप सुप्त रूप से हिंदू द्रोह का शंखनाद करेंगे तो लोगों के कान में सुनाई देगा। और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जैसा व्यक्ति जो कांग्रेस के समर्थक है वो भी पृथ्वीराज चव्हाण की बात को नहीं पचा पा रहे हैं, उसका कारण यही है वो सच के समर्थक है। आचार्य जी कहते हैं मैं सच बोलता हूँ,
नहीं, सच बोलने का उनको अधिकार है। आचार्य जी कहते मैं सच बोलता, मैं आ रहा आलोक जी, झूठों से जितना दूर रहेंगे उतना सच। आचार्य आचार्य प्रबोध कृष्णन, आचार्य प्रबोध कृष्णन, एक तो प्रतीक जी, ये जो आज का मुद्दा है बड़ा संवेदनशील भी है और लोगों के भावनाओं से जुड़ा है, लोगों की आस्था से जुड़ा है। ये चार्टेड अकाउंटेंट की सर्विस ज्वाइन करने के लिए कोई टेस्ट नहीं था हमारा जो उस पर समय व्यतीत हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने ये सिद्ध कर दिया कि पृथ्वीराज चौहान के बयान से कांग्रेस भी सहमत नहीं है और कांग्रेस का वो अधिकृत बयान नहीं है। अब मैं आपसे जो मेरा विवाद हुआ और बहस हुई, आपने भी कहा करना चाहता हूँ, दो बातें करके अपनी बात को समाप्त करूँगा। आपकी राष्ट्रभक्ति पर कतई संदेह नहीं है, लेकिन भारत के ऋषि मुनि महात्मा और संत महात्माओं पर आपको भी उनकी राष्ट्रभक्ति पर संदेह करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। इस देश में मैंने नहीं अगर किया, कोई मैं खजाना भी है, मैंने, अरे सोच नहीं सकता, बहुत सपने में नहीं, करेक्ट, सपने में नहीं सोच सकता, करेक्ट, सपने में नहीं सोच सकता, करेक्ट करेक्ट, जिसके आराध्य भगवान राम हो, जिसके आराध्य, मैं तो कहता हूँ, मैं गुरुजी, मैं 10 सेकंड का पूरा समय दे दूंगा, लेकिन आप सुनिए पहले बात क्लियर करने दीजिए मुझे भी। जो सनातन परंपरा में बना, वो कौन सा एंकर है जो ये बोलता है कि मैं सनातनी हूँ? मैं तो कहता हूँ मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, पंचदेवोपासक हूँ। आप बोलिए, इसके बाद क्या बोलूँ? और कहिए तो पांच देवताओं के नाम बता दूँ, अपने गुरु का भी नाम बता दूँ। मैं बिल्कुल नहीं, 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 परंपरा में विश्वास करता हूँ, संदेह नहीं, मैं उस दधीज परंपरा को याद दिला रहा था, उस नर और नारायण को याद दिला रहा था, जहाँ स्वमेव दान निकल जाता है। मैं उस कर्ण की याद दिला रहा था, भगवान उस सूर्य पुत्र की याद दिला रहा था, ये वो भगवान है, भगवान जी, भगवान, अब बोलिए, भगवान भगवान परशुराम लक्ष्मण, भगवान परशुराम और लक्ष्मण संवाद में आता है, राम रमापति करधन लेहु खींचत चाप मिटे संदेहु। सब संदेह मिट गए थे, आपने अपने पक्ष में कोई तर्क प्रस्तुत ना करें, कोई संदेह नहीं है। लेकिन भारत के अंदर ऐसे बहुत प्रमुख मठ मंदिर हैं जिनका संचालन स्वयं सरकार कर रही है, जैसे वैष्णो देवी ट्रस्ट है, जैसे शिरडी साईं बाबा का ट्रस्ट है, जैसे तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट है, और अपार संपदाएं हैं। हम लोग पहले से ही सेवा कर रहे हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर मान लीजिएगा कोई दान देना चाहता है, कोई इस धन को देना चाहता है, तो दे कहाँ? गठरी बांध के समंदर में तो डाला नहीं जाएगा। भाई सरकार कोई प्रस्ताव देगी, प्रपोजल देगा, और प्रपोजल के साथ साथ उस पर उसको कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, एक वो विधि विधान तो होना चाहिए ना। मेरा सिर्फ आशय ये है, भारत हमारा है, हम भारत के हैं, हमारे प्राण तन मन धन सांस इस पर नछावर है। संदेह नहीं। स्वामी शैलेशानंद जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आता हूं। अगर स्वामी शैलेशानंद जी ने कहा कि खजाने खोले जाने चाहिए, हमारा 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 जो ये जानने का अधिकार जरूर है कि वो कहां जाएगा पैसा, लेकिन ये अधिकार ये जरूर है कि हम जानना चाहेंगे कि कहां पैसा दान दिया जाए, लेकिन जो खजाना है, जो सोना है, वो दिया जा सकता है, दान दिया जा सकता है। स्वामी शैलेशानंद जी, प्रतीक जी, मैं उस चीज को तो मैं कह चुका, किंतु मैं कुछ चीजें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर कहना चाहूंगा। सबसे पहली चीज ये कि यदि हम हमारे वित्त संसाधनों को देखते हैं, यदि हम कोविड इंपैक्ट को देखते हैं, जो हमारे व्यापार के ऊपर पड़ रहा है, हमारे राष्ट्र के ऊपर पड़ रहा है, उसके अंदर जो ये ऐच्छिक दान देने वाली संस्थाएं, बड़े बड़ी संस्थाएं, ऐसी धार्मिक नहीं, इसके अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, उन चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर जो नॉन कॉर्पस और कॉर्पस फंड होता है, तो नॉन कॉर्पस के अंदर यदि किसी ने वॉलंटरी कुछ चीज दी है, तो उसके अंदर कुछ हेड मेंशन नहीं होता है कि वो किस चीज में उपयोग में होगा। मैं इसके टेक्निकल विषय में बात कर रहा था, जो शायद हमारे विद्वत जन में एकाध कोई समझ नहीं पाए। उसके अंदर क्या होता है, उसका एलोकेशन ऑफ द हेड्स होता है, जिसके अंदर आज तक हमारी भारत की सरकारें असफल रही है। उस कारण से ही ये काला धन, सफेद धन, ये टर्म्स जितनी आई है हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो इस कारण से आई है। यदि हम किसी संस्था के अंदर दान देते हैं और वो नॉन कॉर्पसेज, मतलब कि वो बिल्कुल अच्छी दान है, तो वो अधिग्रहित कर सकती है उसके अंदर से। एक दान पेटी में रखा हुआ धन, उसका क्या हिसाब कैसे होगा? और एक व्यक्ति दान देता है कि आप अपना अस्पताल बनाइए, आप अपना मंदिर बनाइए, आप अपना कक्ष बनाइए, उस दान के अंदर शासन हस्तक्षेप नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं अपना अपना धन बता देती है कि हमने इतने रुपए का मंदिर बचाया, अब 85% इसी वर्ष खर्च करना है और 15% हम आगे करेंगे। तो मेन समस्या कहां आ रही है, नहीं, कि नहीं, जो स्वामी जी, थोड़ा सा इसको क्लियर करिएगा। स्वामी जी,
अभी क्या आपने जो टेक्निकल बात की, लीगल बात की, ये क्लैरिफिकेशन इसका जो है मैं मांग नहीं रहा हूँ, देश की जनता के सामने क्लैरिफाई होना चाहिए। आप हाँ जी, आप कहना क्या चाहते हैं कि क्या जो मंदिर नहीं, आप कहना क्या, सीधा सीधा कहिए ना कि जो आप, एक सेकंड, ये पहले मेरा सवाल क्या है, देश की जनता के सामने जो बात आए वो स्पष्ट आनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि यदि सरकार चाहे, सरकार कहे, तो सारे आश्रम और ट्रस्ट जो हैं सब कुछ देने को तैयार हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप क्या कहना चाहते हैं उसको जरा ट्रांसपेरेंसी के साथ कहिएगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको इधर उधर कहेंगे तो देश की जनता में मैसेज क्लियर नहीं जाएगा। स्वामी जी, नहीं आचार्य जी, प्लीज उसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा ना। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, जी मैं भी वही बढ़ा रहा हूँ। सहमत है, हम लोग हमारा शरीर दे रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, हम लोग सब कुछ देने के लिए संत बने। यदि हमारी संस्थाओं के पास में कोई दानदाता आता है तो उस दानदाता को ये मालूम, यदि वो कह करके देता है दान कि आप, हम आपको 1,00,000 रुपए दे रहे हैं, आप एक कक्ष बना लीजिए, आप हम आपको 5 करोड़ दे रहे हैं, आप एक अस्पताल बना लीजिए, तो उसके अंदर शासन जो है उसकी व्यवस्था के ऊपर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। परंतु जो 15% का जो धन होता है, जो अगले वर्ष कैरी फॉरवर्ड होता है, वो इतने इकट्ठे हो गए चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर कि उनको शासन तो चाहिए कि वो सूचीबद्ध करें। ऐसे कितने सारे संगठन हैं, ऐसे कितने सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, जिनके पास में धन का अतिशय है, तो उसकी एक व्यवस्था, एक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी ना। हाँ, उसकी एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना, वही मेरा सवाल था। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं उस प्रक्रिया के। बिल्कुल 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 आचार्य जी, आप बात सही कर रहे हैं, आचार्य जी बात सही कर रहे हैं, आचार्य जी वो परंपरा, वो आपको वो व्यवस्था कायम करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी मैं आया आलोक जी आ रहा हूँ, बीजेपी प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी ठीक भाई, देखिए दो बार प्रेम जी, प्रेम जी का दे रहे हैं, तो गलत बात, कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आलोक जी के प्रति। आलोक जी के प्रति नहीं, जब उन्होंने जब देखा कि आचार्य जी उधर हो गए तो उन्होंने कहा कि आज करुणा ही सही, जब देखा कि आज आचार्य जी आप आ गए तो उन्होंने कहा आज करुणा सही। आलोक जी, आलोक जी, दो संत, दो साधु यहाँ पर बैठे हुए हैं और संतों में एक कहावत रही है, जी। संतन को का सीकरी सो काम, आते जाते पन्हैया टूटे और बिसुर गयो हरि नाम। लेकिन आज का जो विषय है वो मूल विषय ये है, दोनों ही संतों ने एक बात कही कि हम उस गठरी को दें कहां। देखिए ये सरकार नोटबंदी जैसे घोटाले करके अपना विश्वास खो चुकी है। पीएम केयर्स फंड में अगर पैसा दिया जाता है तो वो सीएसआर, एक मिनट वो कोई घोटाला नहीं, घोटाले बाजों को हर चीज में घोटाला। प्रेम शुक्ला जी चुप नहीं रहेंगे, संकट ये घोटाले बाजों को मैदान में कूदना ही पड़ेगा। मानव परिवार के घोटाले की ऐसी आदत लग रही है कि हर चीज में घोटाला दिखता है। शुक्ला जी आप मेरे को हर कोई चोर दिखाई देता है, घोटाले बाज को हर कोई घोटाले बाज दिखाई देता है, चीटर को हर कोई चीटर दिखाई देता है। शुक्ला जी 420 के प्रवक्ताओं को हर कोई जो है दिखाई देता है। अरे भाई 420 जो है आपका छोटा अनुवांशिक कार्य है आपकी पार्टी का, आप जो है चीटिंग से जरा मुक्त हो जाइए, मुद्दे की बात कीजिए। अच्छा सरकार घोटाले करके सामने ले आइए, हमने आपके घोटालों को सामने लाया, आपके लोगों को जेल में मजबूर किया, आपकी जो राष्ट्र आपको रोकते हैं ऐसी श्रीमती सोनिया मायनो स्वयं जो है बेल पर है, क्योंकि नहीं बोलेंगे। शुक्ला जी आपने कहा था नहीं बोलेंगे, नहीं वो गलत बोले, मुझे अनाप शराब को धक्का बोलना पड़ेगा, काउंटर करना मेरा धर्म है। चलिए मैं काउंटर करिए ना, खूब काउंटर करिए, बिल्कुल। देखिए आरबीआई से 1,00,000 आरबीआई से 1,76,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने लिया और एक पत्रकार महोदय ने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा ये पैसा कहां खर्च होगा। फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब था वी हैव नॉट डिसाइडेड येट। आलोक जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए जिस पे बहस थी। आलोक जी जिस पे बहस थी, आलोक जी जिस पे बहस थी उस पे एक सवाल जवाब दीजिए, उस पे नहीं बोलेंगे, जिस पे बहस हुई थी। नहीं नहीं आप दो सवाल में दो सेंटेंस बोलूंगा। पीएम केयर्स फंड में अगर पैसा जाएगा प्राइवेट ट्रस्ट में तो वो तो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा, लेकिन जो सरकारी ट्रस्ट है सीएम के लिए, सीएम रिलीफ फंड,
उसमें अगर कोई पैसा देगा तो एटीजी में उसको अरे साहब उस पे अलग से बहस कर लेंगे आप संतुष्ट मुझे केवल बताइए ये सरकार अपना विश्वास खो चुकी है इसलिए संस्थान इस सरकार को धन देना चाहते क्योंकि सरकार घोटालेबाज है तो सरकार अपने मजदूरों को फ्री में ट्रेन में नहीं बैठा सकती लोग क्यों पैसा देंगे सरकार को शर्म आनी चाहिए इस रेलवे डिपार्टमेंट ने 17,000 करोड़ आलोक जी आज आलोक जी आज आपको सूरत की आलोक जी आपको सूरत की घटना आज पता होनी चाहिए आलोक जी सूरत की घटना आपको पता होनी चाहिए आज आज है उसका जी 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 सूरत की घटना आज आपको पता होनी चाहिए 22 साल से 23 साल तो उसका उसका हाँ शर्म आनी चाहिए इनको हाँ वो ध्यान में रखेंगे मैं आ रहा हूँ मैं ऑफकोर्स मेरी मुलाकात आपसे होगी कल फिर इसी वक्त पे बातचीत का सिलसिला फिर शुरू करेंगे लेकिन आज